नमस्कार दोस्तों, प्यारे विद्यार्थी, आज हम ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है और हम पढ़ेंगे बीएसटी सेकंड ईयर बच्चे और सिख। और इसमें हमारा टॉपिक रहेगा सीखने के सिद्धांत के अंदर, हमारा सीखने सिद्धांत के अंदर थॉर्नडाइक ने सीखने के मुख्य नियम बताए हैं। थॉर्नडाइक के सीखने के मुख्य नियम अधिगम के सिद्धांत को मुख्य नियम किन बताया है, तो पहला नियम आता है हमारा अभ्यास का नियम। तो थॉर्नडाइक ने मुख्य नियम को तीन भागों में बांटा, तो पहला आता है तत्परता का नियम। क्या होता है तत्परता नियम बताया है कि इस नियम का तात्पर्य यह है कि यदि किसी कार्य को सीखने के लिए तैयार होते हैं या तत्पर होते हैं तो हम उसे शीघ्रता से सीखते हैं, क्योंकि उस कार्य के प्रति क्या हमारी तत्परता है, सीखने लिए हम तैयार है। ठीक है, कहता है कि इसका अनुसार ये कि तत्परता या किसी कार्य के लिए तैयार होना या बुद्धि या युद्ध को आधा विजय कर लेना, ये कृष्ण अपना भाटिया का अनुसार कह रहे हैं। उधर ये समझते हैं कि यदि तत्परता नहीं है, यह है कि एक घोड़े को अगर पानी पीने के लिए जबरदस्ती तालाब के तक ले जाता है परंतु उसे वो पानी पीने के लिए बाध्य नहीं किया जाता है, क्योंकि उसके लिए जब वो घोड़ा पानी पीने के लिए तत्पर होगा तभी तो तालाब से पानी पिएगा, जब उसे हम बाध्य नहीं करेंगे तो कि घोड़ा अपने निर्णय खुद लेता है कि उसको पानी पीने के लिए वहाँ भेजा जाता है, तब घोड़ा पानी पीने के तत्पर होगा तभी वो तालाब से पानी पिएगा वरना पिएगा नहीं। एक उदाहरण भी आता है, जैसे हम कहते हैं कि एक बच्चे को क्रिकेट खेलना नहीं सीखा सकता, क्योंकि वह स्वयं को इच्छा से जब तक किसी खेल को खेलने के लिए तत्पर नहीं होता है वह कभी खेल नहीं सकता। सेकंड बात है अभ्यास का मैं बताया कि इसे अभ्यास के नियम का होता है किसी क्रिया को बार बार करना या दृढ़ से करना अभ्यास करना। कहते हैं एक एग्जाम्पल होता है कि करत अभ्यास ते जड़मत हो सुजान नर्सरी आवत जावत ते पड़त ते सिर्फ पड़त निशान। कहने का मतलब है कि जब रस्सी अर्थात कहने का मतलब है कि करत अभ्यास करते रहने से मूर्ख व्यक्ति भी विद्वान हो जाता है, ठीक उसी प्रकार जैसे कुएं से रस्सी को जगदरी रस्सी को बार बार हम पानी को आ जाने करते हैं तो तल रे पत्थर पर भी निशान पड़ जाते हैं। कहने वाला है कि हमें किसी कार्य को करने के लिए हमें तत्पर रहना चाहिए, जब कार्य हमारे तत्पर करेंगे तभी तो हमारा अभ्यास में आएगा, अभ्यास उसका होगा तो वो हमारे ज्ञान में पूछते ही बना हुआ रहेगा। खंड नंबर आता है प्रभाव का नियम, पता है प्रभाव का नियम। इस नियम के सिद्धांत को हम संतोष का संतोष का नियम भी कहते हैं, संतोष और असंतोष नियम लेते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार हम उस कार्य को सीखना चाहते हैं जिसका परिणाम हमारे लिए हितकारी हो, अच्छा, और उसे उस कार्य को करने से हमें क्या मिलता है, सुख और संतोष मिलता है। कहने वाला है हम एग्जाम्पल बताता हूँ कि यदि एक बच्चा एक घंटे कक्षा के बाद कुछ दिखाई देता है तो वह अधिक प्रगत होगा, क्योंकि वह अधिगम को सुनना और निराश दिखाई देता नहीं, अधिगम को मतलब आप कहना बोला है कि हमने थोड़े नियम को भी मिले पता करने तो प्रिय विद्यार्थियों आपके ये थोड़े के नियम आपको याद होंगे होंगे। आज के लिए इस थोड़े के नियम में तत्पता नहीं हर कार्य के अंदर तत्पर रहना चाहिए, अभ्यास बार बार अभ्यास करना चाहिए, पता होता है हमने जो अभ्यास किया है वो हमारे लिए हितकारी होना चाहिए।
चाहिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।